या मेरे मालिक, ये भरे समाज में आज मेरा सम्मान गिर गया बेटी के कारण। नहीं सा, मेरे करीब आओ। जो राजकुमार कह के जा रहा है, क्या यह बात सत्य है? पिताजी मुझे नहीं मालूम है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम है? मैं तेरी पीठ देखना चाहता हूं। ये क्या कह रहे पिताजी? नहीं, मैं देखना चाहता हूं। भरे समाज में मेरा अपमान हुआ है, देश देश के राजकुमार आए हैं और वो अपने नगर में जाएंगे तो यही बोलेंगे यह बात महाराज चंद्रभान सिंह छुपा कर रखे थे बेटी के पीठ पर कोड़ का। अगर ये बात है तो पिता से क्यों नहीं बताई बेटी, क्यों नहीं बताई? तुमको बताना चाहिए मैं इस राज्य का महाराज चंद्रभान सिंह हूं। जितना पैसा रखता मैं शाही खजाने से खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और रहूंगा। मैं तेरा बेटी इलाज करवा देता। पिताजी मैं जानती हूँ कि मैंने माँ का प्यार नहीं पाया, आपने सेह पाल के मुझे इतनी सयानी कर दिया। पिताजी मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ, मेरे पेट में कोई दाग नहीं है पिताजी। दरबारी कहिए महाराज। ये मेरी कृपाण संभालो, पहले मैं खुद ही देख लेता हूँ। बेटी महाराज क्या हुआ महाराज? बेटी तुमने मेरे नियम और वसूलों को कभी तुमने समझा ही नहीं है और तूने मेरे नियम का पालन नहीं किया बल्कि उल्लंघन किया। निशा मेरी बात सुन, निशा कान खोल कर सुन लो। मेरे घर में जन्मी हूँ, अरे मेरे घर में जन्मी हूँ निशा कुठारी।
मार जाएगा दबा कर गलायू। निशा, तुमने हमारे नियम और उसूलों को जाना नहीं था, इसलिए तुमने इस रोग को छुपा रखी थी और तेरे ही कारण भरे समाज में मेरी मान मर्यादा और शान चली गई। निशा चली। बोल कहना क्या है तेरा नहीं यार, कान के रख तू वही यही। अरे नहीं, इसमें दोषी है एक कन्या तुम्हारी। दरबारी कहिए महाराज, मेरा सख्त आदेश है। जी महाराज। जो मुझसे झूठ और चोरी का काम करता है, हाँ महाराज, सजाए मौत की सजा देता हूँ। हाँ महाराज। चाहे मेरा हो या पराया हो। जी महाराज। ये मेरी पुत्री है। हाँ महाराज। इसको भी सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हमारे रईत में ये शोर हो जाए कि महाराज की पुत्री के ऐसा था जो कि समाज में महाराज की रुसवाई हुई, बुराई हुई। जी महाराज। अपनी पुत्री को कुछ भी नहीं कहा है। जी महाराज। मेरा नियम उसूल है। हाँ। सजा सबको मिलेगी और मैं तुझे आदेश देता हूँ। जी महाराज। इसकी सजा मैं सुनाता हूँ। कहिए। इसे तुझे पालन करना पड़ेगा। कहिए महाराज। निशा की सजा है सजाए मौत। ये महाराज चंद्रभान का ऐलान है। ये महाराज चंद्रभान का ऐलान है। जो महाराज ने कहा है वो अपनी वाणी को वापस नहीं लेते। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन जरूर होगा। महाराज महाराज, आप चलिए, महाराज की जय। रुकिए, कल सुबह फांसी इसकी होगी। हाँ। फांसी करने के पश्चात हाँ। इसकी लाश को गंगा में। आप जैसा कहेंगे महाराज मैं वैसा ही करूंगा। महाराज, माँ के मरने के पश्चात। जी महाराज। इसकी माँ के मरने के पश्चात मैंने माँ का प्यार, पिता का प्यार सब कुछ दिया, लेकिन ये नालायक अपने पिता से इस बात को छुपा कर क्यों रखी। महाराज, क्या कर ही सकती थी ये भी महाराज,
इनको पता होता तभी तो बताती महाराज। महाराज जो आप हुक्म सुनाए हैं, जितना आप कहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा महाराज। ठीक है दरबारी, मैं चलता हूँ। चलिए महाराज। हाँ दीदी। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है जो आज मुझे सजा मिल रही है? मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मैं अपनी फरियाद लेके कि अपोर का दम कब हुआ, कब नहीं हुआ, मुझे खुद ही नहीं मालूम। आप रोइए मत दीदी, आप तो बचपन से माँ संतोषी की पूजा करती आ रही है दीदी। माँ संतोषी की पुजारन हो दीदी, आप तो व्रत रहती थी माँ के लिए दीदी। आप माता रानी के दरबार में जाइए दीदी और माता रानी से अरदास लगाइए और माता रानी से पूछिए आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए दीदी। सही कह रहा है कि आज मैं उसी चौखट पे जाऊंगी जहाँ मैं रोज जाती थी, माँ की पूजा करती थी। मैं पूछूंगी माँ से कि आखिर माँ मेरे गोर का दाग क्यों है, क्यों है माँ, क्यों है? दुनिया में अब तो मेरी पासी होकर रहेगी, मेरे पिताजी का सच्चा लान है। चलिए चलिए दीदी, चलिए। मैं क्या बताऊं, जब मैं छोटा से था तभी मेरी माँ और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं सोनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी मौसी माँ है जिनका नाम सोनावती है, मेरा नाम आनंद है और एक मुझसे मेरा छोटा भाई है। मेरी मौसी माँ का लड़का, उसका नाम बसंत है। वो अपनी पढ़ाई कर रहा है लेकिन मुझे अपने भाई से ज्यादा मानता है। भाई नहीं बल्कि ये समझता है कि ये मेरे पिता है, मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन मौसी माँ जो है वो मुझे बहुत परेशान करती है, यहाँ तक कि मुझे टाइम टाइम से खाना नहीं देती, खेती किसानी का काम करवाती है, रातों दिन काम में व्यस्त रहता हूँ और घर पे आता हूँ जब कहता हूँ कि मौसी माँ मुझे खाना दे दो तो मेरी मौसी माँ मुझे खाना भी नहीं देती। जब मौसी माँ से खाना मांगता हूँ तो मौसी माँ मुझे मारना चालू कर देती है। पता नहीं परमात्मा ने इस दुनिया में मुझे क्यों इतना बड़ा भागा पैदा कर दिया कि मेरी माँ और मेरे पिताजी को मुझसे बहुत पहले छीन लिया। या परमात्मा आखिर तू मेरी मौत क्यों ना दे देता, मालिक मेरी मौत क्यों ना दे देता। अगर मैं इस घर में हूं तो सिर्फ अपने भैया बसंत की वजह से हूं, नहीं तो उसी का प्यार दुलार मुझे घर में रखा है, नहीं तो मैं कब तक कब का कब ये घर छोड़ करके चला गया होता। लेकिन क्या करूं,
कोई बात नहीं है, नसीब में जिसके जो लिखा है वो तेरी महफिल मुकाम आए, और किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आए। ये मुकद्दर का खेल है, अगर मेरे किस्मत की किताब में सुख और आराम लिखा होता तो मेरी माँ और मेरे पिताजी इस दुनिया से छोड़ कर के ना चले जाते। लेकिन एक साथी है बेचारा, बहुत हमारी हेल्प करता है, आज उसका कोई पता नहीं है, चल रहा हूं उसकी तलाश में, अगर आज वो मिलेगा तो आज मेरे दिल में ये तमन्ना है कि मैं भी जा रहा हूं, घर जाऊंगा और मौसी माँ से इजाजत लूंगा कि मौसी माँ आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं शिकार खेलने चला जाऊं, लेकिन चल रहा हूं, अगर वो मेरा दोस्त आएगा तो उससे जरूर बातें करूंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। और कहिए। और सब बढ़िया है दोस्त, और कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है भैया? हाँ तबीयत तो ठीक है। अच्छी बात है भैया, लेकिन ये तो होता जाता रहता है। हाँ भैया, जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सही करो भैया, क्या करोगे। लेकिन आज मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था। किस लिए? कि आज तुम आ जाओगे। हाँ? तो तुम्हें साथ में लिवा करके। अच्छा। और मेरा दिल ये कह रहा है, क्या कह रहा है? कि चलो मौसी माँ के पास चलते हैं। ठीक है ठीक है। और मौसी माँ से इजाजत लेते हैं। अच्छा। और इजाजत लेकर के फिर हम लोग शिकार खेलने चलेंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन इतना है कि अगर आज मेरी मौसी माँ मुझे इजाजत भी नहीं देगी ना, फिर भी मैं शिकार खेलने जाऊंगा। जबरन चलेंगे, जबरदस्ती चलेंगे। ठीक है, चले फिर। ऐसे नहीं भैया, चलते चलते कुछ कहते हुए चलिए, ताकि रास्ता भी कट जाएगा और मेरा दिल भी खुश हो जाएगा भैया। ठीक है, अगर तुम्हारा ये विचार है, दिली तमन्ना है भैया, तो आज मैं तुम्हें ख्वाजा गरीब नमाज की शान में, अच्छा अच्छा, एक नातिए कलाम सुनाऊंगा। बहुत अच्छी बात भैया। तो लीजिए आप लोग के सामने ख्वाजा गरीब नमाज मोइनुद्दीन चिश्ती के शान में नातिए कलाम पेश है। आप लोग मेरी तरफ मुखातिब हो और खामोशी अख्तियार करें। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आप किसान निराली ख्वाजा चाहे मोहतरम दिखा दो शहर मदीना, हुआ अब मुश्किल जीना, नबी जी धड़के सीना। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में।
जीना, नबी जी धड़के सीना, सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में। मारे ने कारवाजक सुरेश उस्ताद गोहरी भाभा बहू वाले तुम्हारे कैसे आऊं दर पे तुम्हारे क्या बात दर पे तुम्हारे सर चौखटी पे अपना झुकाऊं सर चौखटी पे चूम पकड़ कर जाली चूम पकड़ शहर मदीना हुआ अब मुश्किल जीना नबी जी धड़के सीना सारे जहां में सारे जहां में सारे जहां में जिसको सुनाऊं ख्वाजा गम का फसा के पास चलते हैं चलिए भैया आओ तुम्हारे दरबार में आई हूँ माँ जिंदगी मेरी बीत चुकी है माँ मेरा आखिरी वक्त समय आ गया है माँ मेरी कल फांसी हो जाएगी माँ मैं तुम्हारे चौखट पे आई हूँ माँ मेरी फरियाद सुन लो माँ ऐ संतोषी माता तुम्हारे हो माता तुम्हारी खड़ी दर पे रोवे दुखारी
माता तुम्हारी खड़ी दर पे रोवे तुम्हारी। बहुत दिना से कहे तोहरी सेवा, बहुत दिना से कहे तोहरी सेवा, तोहके चढ़ाई मैया माल फूल देवा, तोहके चढ़ाई मैया। बहुत दिना से कहे तोहरी सेवा, बहुत दिना से तोहके चढ़ाई मैया मान फूल मेवा, तोहके चढ़ाई मैया मान फूल मेवा, तोहके चढ़ाई मैया। तुन लीजे अराजे हमारे हो, सुन लीजे अराजे हमारी खड़ी दर पे रोवे दुखारी। ए रोवे दुखारी मैया रोवे दुखारी, रोवे दुखारी मैया रोवे दुखारी। संतोषी माता तुम्हारी खड़ी दर पे रोवे दुखारी। नहीं बेटी, ये क्या कह रही हो? आखिर अपनी जान क्यों गवा रही हो? माँ मैं धन्य हो गई, माँ आपने मुझे दर्शन दिया, माँ मुझे सब कुछ दिया, माँ मुझे कुछ किसी चीज की कमी नहीं है माँ। लेकिन एक बात की मुझे दुख है माँ, आखिर मुझे जिंदगी मिली है तो आखिर मेरा कोड़ का दाग क्यों है माँ, क्यों है माँ? इसी कोड़ के दाग होने के कारण मेरे पिताजी मेरी फांसी की सजा सुना दिए हैं माँ। कल मेरी फांसी हो जाएगी माँ। बेटी मेरी बात को ध्यान से सुन, तू मेरी बचपन से पूजा करती चली आ रही है, मैं तेरे पूजा से प्रसन्न हूँ। तेरी बात को ध्यान से सुन, तेरे पिताजी तेरी फांसी जरूर करवाएंगे, फांसी करवाने के पश्चात तेरी लाश को ले जाके माँ गंगे में फेंकवाएंगे, माँ गंगे में लाश फेंक देंगे। बेटी तू मरेगी नहीं बल्कि तू जीवित रहेगी, तू मरेगी नहीं बल्कि जीवित रहेगी, और तेरे बदन का कोड़ जो है, पीठ पे कोड़ का दाग है, वो कोड़ का दाग हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। बेटी उस पे भरोसा रख, मैं कोई दूसरी नहीं, मैं वही माँ संतोषी बोल रही हूँ। बोलो संतोषी मैया की। आगे चल के तुझे तेरी मंजिल जरूर मिलेगी बेटी, जब तुझे आवश्यकता पड़े मुझे याद कर लेना, मैं जा रही हूँ बेटी। अरे करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं सभी कार करो माँ, मजीधा